एक दूर गांव में एक पुरानी हवेली थी। वहां से कोई भी गुजरता तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। आओ मेरे पास, आ जाओ, आओ तो मेरे करीब आओ, आओ मेरे करीब आओ। कितना बेचैन दिल है तेरे लिए। पर डर की वजह से कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं जाता था। भाई रमन, एक बात बता, इस हवेली का क्या राज है? जब भी वहाँ से निकलो कोई आवाज अंदर से आती है, जैसे कोई बुला रहा हो। अरे भाई, इसमें इतना क्या सोचना, किसी दिन जाके देख लो, तुम्हारी जाने मन इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं भाई, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझे? फिर एक दोपहर शाम उसी हवेली के पास से गुजरता है। हवेली से आवाजें सुनाई पड़ती है। आओ आओ ना, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ, कितना बेचैन दिल है तेरे लिए। तभी अचानक से वह एक मंचला आ जाता है। अरे वाह, बड़ी मीठी आवाज है, जरूर कोई फुलझड़ी होगी। अरे भाई, ये रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि कौन है वो गाना गा के बुलाने वाली। तुमने बड़ी आसानी से पता लगा लिया। अरे मेरा जन्मों जन्मों से नाता है सुंदरियों से। मगर एक बात याद रखो भाई, वो कितना भी बुलाए मगर जाने का नहीं। ये चेतावनी देके श्याम चला जाता है। पर वो ठहरा मंचला आखिर कैसे मन की इच्छा को मार दे। अरे भाई, वो किसी को बुलाए, वो भी प्यार से, फिर भी किसी को जाने का नहीं, ये कैसे हो सकता है? बिंदु तो बिन बुलाए भी पहुंच जाता है, फिर ये तो इतने प्यार से बुला रही है, मेरे को तो जाने का है, और ये मैं चला बन के हवा। बिंदु हवेली के अंदर आवाज का पीछा करते करते पहुंच जाता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। कौन है रे, जरा सामने तो आओ, मीठी छुरी लगती हो, आज दर्शन भी दे दो, अब बेताब हो रहे हैं तुहर प्यार में। आओ आओ मेरे सपनों के राजकुमार, अंदर चले आओ, सीधे सीधे सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। अरे वाह, आज तो लॉटरी निकल पड़ी, कन्या राशि है आज तो हमारी, खूब मजे करेंगे। अंदर जाके वो जब देखता है तो उसकी आंखें मानो बाहर ही निकल आई हो। अरे बाप रे, कसम उड़ान छल्ले की, एक आहे बे, सचरी चुड़ैल निकली ये तो। अरे बचाओ रे, ये कहां सुंदरी के चक्कर में चुड़ैल मोल ले ली। क्या बोला था वो, बुलाए तो जाने का नहीं, तू फिर भी आ गया। पसंद आया तो मुझे। आ मेरे पास आ मंचले, आ जा। अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मैं तो बस कन्या राशि के चक्कर में फंस गया। तभी अचानक से हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरे ये क्या, दरवाजे कैसे बंद हो गए, मैं अब बाहर कैसे निकलूंगा, कसम उड़ान छल्ले की, अब पतली गली भी नहीं बची कोई। अरे चुड़ैल, मैं तेरे साथ क्या मजे करूंगा, मुझे जाने दे। अब तू नहीं जा सकता, मेरे जंगल में फंस चुका है अब तू। फिर चुड़ैल और बिंदु में छीना झपटी होती है। चुड़ैल बिंदु के ऊपर चढ़ जाती है, उसके सारे बाल जड़ से उखाड़ के उसे टकला बना देती है। अब तू इस
टकलेपन के साथ कैसे जाएगा बाहर? बिंदु खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर चुड़ैल के हमले से खुद को बचा नहीं पाता और चुड़ैल बिंदु को भी अपने जैसा ही बना देती है। मुबारक हो बिंदु, मुबारक हो, अब तू भी मेरे जैसा ही बन गया। अब हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे इंसानों का। खबर फैली हुई है ना, कोई बुलाए तो जाने का नहीं, पर हम बोलते हैं कि कोई आए तो फिर जाने देने का नहीं। अरे सही बोला रे तू। फिर कुछ दिनों बाद, अरे भाई तुमने कभी ध्यान दिया कि अब उस हवेली से दो मिक्स आवाजें सुनाई देती हैं? क्या यार, तू भी क्या बात करता है, तेरे कान बचे होंगे। नहीं रे, सच बोलता हूँ, कभी सुनियो ध्यान से। उसी रात श्याम शहर से वापस आ रहा होता है, जब वो उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सज गई है तू सजना के लिए, सज गई है तू सजना के लिए। श्याम चौंक जाता है ये आवाजें सुन के। अरे ये तो सच बात है, मतलब रमन सही बोल रहा था, पर ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है अंदर, जाके देखूं क्या? नहीं नहीं, कहीं फंस गया तो? ना ना, अगर नहीं गया तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा, मुझे जाना ही होगा। फिर श्याम बड़ी हिम्मत करके हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो हवेली की तरफ बढ़ता है, बादल गरजने लगते हैं, काली घटाएं चलने लगती हैं। श्याम फिर हवेली के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचता है, दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। अरे ये कैसे बंद हो गए? खोलो खोलो कोई, हेल्प हेल्प। अरे ये कहां फंस गया मैं? ऐसा ना हो रहस्य जानने के चक्कर में मेरा गायब होना ही रहस्य ना बन जाए अब। अरे बचाओ मुझे, कोई है? तभी वहाँ चुड़ैल और भूत आ जाते हैं डरावनी हंसी के साथ हंसते हुए। आज कैसे आना हुआ हमारी हवेली पे? सेवा का मौका तो दो मेरी जान। चुड़ैल, अरे मर गया रे, ये मैं कहाँ अटक गया, मुझे बच दो, बच दो मुझे। ऐसे कैसे रे? मैं यहाँ से वापस नहीं जा सका तो तू कैसे जाएगा रे? चुड़ैल और भूत दोनों मिलके श्याम को परेशान करने लगते हैं। श्याम भागने की कोशिश करता है पर सब बेकार जाता है। सबने बोला था कोई भी बुलाए मगर जाने का नहीं, मुझे ही चुल्ल थी आने की। श्याम की बातें सुन के भूत बिंदु को याद आता है कि ये वही था जिसने बिंदु को अंदर आने से मना किया था। श्याम भाई, मैं बिंदु, वो मनचला जिसने तेरी राय नहीं मानी थी, देख मेरा क्या हाल हो गया इस चुड़ैल के साथ, पर मैं चाहता हूँ कि तू बचे। चुड़ैल श्याम का पीछा कर रही होती और श्याम खुद को बचाने के लिए हवेली के अंदर ही भाग रहा होता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भाई कोई मेरी मदद करो, अरे मर गया रे। तभी अचानक से भूत बिंदु खिड़की खोलता है और भागते भागते जाता है और श्याम को खिड़की से बाहर धक्के मार देता है। बिंदु भाई, तुमने भूत होते हुए भी मेरी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। गांव में सबको कहना कोई भी हवेली से बुलाए मगर अंदर जाने का नहीं।